नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों सके साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी यश में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, यशु के साथ बात करते हैं। यशु में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप शिव के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई हमसे रूठ ना जाए। दोस्तों, रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये तो वक्त ही बताता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितने भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग बुझाने के काम जरूर आता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत जरूरी है। लाख गुलाब लगा लो तुम अपने आंगन में, जीवन में खुशबू बेटी के आने से ही होगी। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। धेनी राशिफल। दोस्तों, आपके मस्तिष्क में नई नई योजनाएं बनेंगी जो कि घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए बेहतर साबित होंगे। दोस्तों, इसलिए उन पर तुरंत आपको अमल करना शुरू करना चाहिए। दोस्तों, घर पर सगे संबंधियों का आगमन तथा मेल मिलाप घर के वातावरण को भी यशमय खुशनुमा बनाएगा। इसके उपरांत दोस्तों, यशमय सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों, यशमय भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, परंतु दोस्तों अनुभवी लोगों की मध्यस्थता से समस्या का निवारण भी जल्दी ही हो जाएगा। दोस्तों, संतान की संगति पर जरूर नजर रखें, समय रहते कठोर निर्णय भी आपको लेना पड़ सकता है। इसको उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको दूरदृष्टि से सोचकर योजना और निर्णय बनाने होंगे। दोस्तों, खास करके जब बातें पेशे संबंधित हो तो यश में आप सतर्क रहें। दोस्तों, यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस विषय में आपको योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, शादी संबंधी बातों में केवल निजी व्यक्तियों के द्वारा मिले सुझाव को ही ध्यान में रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको प्रांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, अभी तक जो आपने अपनी कार्यशैली में परिवर्तन संबंधी योजनाएं बनाई थी, दोस्तों यह समय उन पर अमल करने का उचित समय होगा। दोस्तों, यह समय आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में भी सक्षम रहेंगे। दोस्तों, घर की देखरेख तथा सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका बेहतरीन समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय किसी निकट संबंधी के साथ जो है आपका छोटा सा बात को लेकर समस्या खड़ा हो सकता है, परंतु दोस्तों जरा सी समझदारी और सूझबूझ जल्दी ही आपकी गलतफहमियों को यश में दूर कर देगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, परिवार के लोग और मित्रों की वजह से आपके आसपास का वातावरण खुशी भरा रहेगा। दोस्तों, यश में भविष्य की चिंता ना करते हुए वर्तमान की बातों का जो है अधिक से अधिक आनंद लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर बेचैनी कम होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों किसी धार्मिक आयोजन में आपकी व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, आपका सिद्धांतवादी और व्यापक दृष्टिकोण समाज में भी आपकी छवि को और अधिक निखारेगा। दोस्तों, कोई रुका हुआ या फिर अटका हुआ पैसा मिलने से आपकी जो आर्थिक तंगी है यह उनसे दूर होंगी। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, परंतु यह समय धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए, इनसे आप समस्या का हल निकाल पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों, घर की देखरेख तथा विलसिता संबंधी चीजों पर खर्च होने से बजट भी गड़बड़ा सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपने उपलब्धियां उम्मीदें संबंधी जो नए सपने सजाए थे वे दोस्तों काफी हद तक पूरे होने वाले हैं।
इसलिए पूरे जोश और मेहनत के साथ अपने कार्यों के प्रति प्रयास करते रहें। दोस्तों, स्वयं को साबित करने के लिए स्थितियां बेहतरीन समय का निर्माण कर रही है। इसको भ्रांति दोस्तों, यह समय कोई अप्रिय समाचार भी आपको मिल सकता है जिनकी वजह से मन में कुछ उदासीपन रहेगा। वाहन खराब होने की जो है वजह से आपको काफ़ी खर्चा भी करना पड़ सकता है। अगर घर या फिर किसी नवीन वस्तु या फिर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों ये जो स्थिति है आपके लिए यह समय स्थगित रखें, इन्हें ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे यात्रा से संबंधित योजनाओं में बदलाव आ सकता है जिनकी वजह से कुछ कामों में देरी भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों काम जरूर होंगे। बच्चों से संबंधित आपकी चिंता इसमें बढ़ेगी और दोस्तों खासकर उनके स्वास्थ्य के प्रति आपका अधिक ध्यान रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में आप सफलता प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र में संबंधित जो भी व्यक्ति है वांछित सफलता प्राप्त करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों किसी वरिष्ठ व्यक्ति या फिर उच्च अधिकारी से वाद विवाद अथवा झगड़ा भी हो सकता है जिनकी वजह से आपकी नौकरी में भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए दोस्तों यह समय धैर्य और संयम बनाकर रखना आपके लिए अत्यावश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप कार्य क्षेत्र में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों कामकाज का बोझ अधिक रहेगा परंतु आपकी कार्य क्षमता व फिर कुशलता द्वारा समस्या का समाधान मिलने में भी आप यह समय सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से आपको राहत मिलेगी। परिवर्तन संबंधी योजनाएं भी जल्दी ही क्रियान्वित होंगी। दोस्तों पार्टनर संबंधी के व्यवसाय में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें, अभी दोस्तों उनमें नए कार्य की शुरुआत ना करें, ये आपके व्यवसाय के लिए यह समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार संबंधी निर्माण में बहुत अधिक खर्चा भी सामने आएगा परंतु दोस्तों आय के मार्ग भी यह समय प्रास्त रहेंगे, इसलिए दोस्तों आर्थिक संबंधित दिक्कत नहीं आएंगी। युवा वर्ग की यह समय जो है पारिवारिक बिजनेस में रुचि बढ़ेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है परंतु दोस्तों आपका उनकी देखभाल करना तथा पारिवारिक कार्यों में सहयोग करना आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर तथा व्यवसाय दोनों जगहों पर बेहतर सामंजस्य बना रहेगा। दोस्तों यह समय पारिवारिक व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपके कार्य में जीवन साथी का सहयोग आपकी चिंताओं को कम करेगा तथा आपके संबंधों में भी नजदीकी आएंगी बने रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों खान पान व फिर दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अन्यथा लापरवाही की वजह से पेट खराब रह सकता है। दोस्तों यह समय स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा परंतु वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही बरतना आपके लिए उचित नहीं होगा, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों ब्लड प्रेशर की नियमित जाँच आप अवश्य कराएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यह समय चिंता और तनाव की वजह से सिरदर्द भी रह सकता है, कुछ समय जो है मेडिटेशन व योगा में व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।